मेवात पुलिस ने 2022 के अंत तक कुल 25 इनामी बदमाश पकड़े हैं। इसके अलावा अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई कब्जा की गई संपत्ति को भी ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि मेवात पुलिस द्वारा संगीन मामलों में अब तक 7 अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कराया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक नूह मेवात वरुण सिंगला ने यह भी बतलाया कि 16 आरोपियों की संपत्ति ध्वस्त करवाने की प्रक्रिया जारी है। इसी तर्ज पर भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उद्घोषित अपराधी व जमानत तर्क अपराधियों की कराई गई संपत्ति जब्त। बता दें कि इसके अतिरिक्त पुलिस की गिरफ्तारी से भागे हुए उद्घोषित अपराधी तथा माननीय अदालत से काफ़ी दिनों से गैर हाजिर चल रहे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला नूह मेवात पुलिस द्वारा 272 उद्घोषित अपराधी व 131 बेल जंपरों को गिरफ्तार किया गया है। ये लंबे समय से भगोड़े चल रहे थे, तो वहीं 6 आरोपियों की लगभग 82,33,500 की संपत्ति को जब्त कराया गया है। वहीं वरुण सिंगला आईपीएस पुलिस अधीक्षक नूह ने मीडिया को बतलाया कि जिला नूह पुलिस द्वारा पिछले वर्ष यानी 2022 में इनामी बदमाश पकड़े गए और इस साल कुल 25 इनामी बदमाश पकड़े गए हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी बिल्कुल, जिला पुलिस के द्वारा कुल 25 इनामी बदमाश इस वर्ष जो है पकड़े गए हैं, जिसमें जिनके ऊपर 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक के इनाम घोषित किए गए थे विभिन्न जिला इकाइयों द्वारा। इसमें से काफ़ी जो है हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के इनामी बदमाश थे, जहाँ के भरतपुर अलवर से जिनके ऊपर इनाम घोषित थे। उसके अलावा हमारे हरियाणा से भी विभिन्न इकाइयों द्वारा HTF, महेंद्रगढ़ पुलिस, रेवाड़ी पुलिस इत्यादि के द्वारा जो इनाम घोषित इनामी थे, अपराधी थे, उनकी धरपकड़ करके और सलाखों के पीछे भेजा गया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें। रोजाना देखना ना भूलें सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।